ओ मजनू, तू रोज मुझे क्यों घूरता है? तेरा कुछ होने वाला नहीं है, आंखों पे चश्मा जरूर चढ़ जाएगा। क्या है हर पूनम, ओके लवशिप ना सही, दोस्ती भी चलेगी। वड़ा पाव खाने वाले को बर्गर पे नजर नहीं रखनी चाहिए, हाजमा खराब हो जाएगा तेरा। और सुन, मैं कटिंग चाय वाले को नहीं ब्लैक कॉफी वाले को पटाऊंगी, समझा? साइकिल चला। छोटू हिसाब लिख रहा है? हाँ दीदी, कॉपी बुक में लिखा हुआ है। आज सुबह जो टमाटर प्याज आए थे उसका हिसाब लिखा? हाँ सब कुछ लिख दिया दीदी, ये लो 120 रुपए। आप एक मिनट, ये पकड़ 100 रुपए। अरे बेटा 20 रुपए कम है, बाद में लाके देती हूँ। अरे ऐसा थोड़ी होता है, आज रोकड़ा कल उधारी। अरे लेकिन दोस्ती हमसे करो, धंधे से नहीं। अरे 20 ही रुपए तो कम है ना, लाके देती हूँ ना बाबा। 54-58 में भी लक्ष्मी होती है, और ये तो पूरे 20 रुपए है। ए लड़के इतना भाव मत खा, एक काम कर 20 रुपए की भाजी है ना इसमें से निकाल ले। अरे अरे ए छोटू क्या कर रहा है? आंटी लेके जाओ सब्जी, पैसे कहाँ जा रहे हैं, बाद में दे। अरे बाद में क्यों, अभी लाकर देती हूँ ना। हम लोग इस एरिया में नए नए आए हैं, वो देखो सड़क के उस पार मेरा घर है। ओ वहाँ तो सब यहीं से सब्जी लेके जाते हैं, इतने से पैसे के लिए वापस आने की जरूरत नहीं है, मैं उधर आऊंगी तो ले लूंगी। आप अपना मकान नंबर और नाम बता दो। मिसेस चौहान 404। ठीक है, थैंक यू बेटा। हेलो, ताजी सब्जी है ले लेना। अभी जगह नहीं है रखने की, बाद में फोन करो। नमस्ते, वो सब्जी के पैसे। अरे हाँ आओ ना अंदर आओ। तुम रुको मैं पैसे लेकर आती हूँ। आपको वो ये लो पूनम तुम्हारे पैसे। आंटी छुट्टे का तो बड़ा वांदा है, बाद में दे देना। बेटा जाओ जाओ 1000 का चेंज लेकर आओ। आंटी रहने दीजिए मैं बाद में आ जाऊं। अरे नहीं रुको रुको तुम रुको, बेटा जाओ ना जल्दी से, पास ही तो है, जाओ। अरे आओ आओ बैठो 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 ना। आपने बेकार में लड़के को छुट्टे के लिए भेजा ना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आपके हस्बैंड नहीं है? मेरा डिवोर्स हो चुका है। ओह, मैं और मेरा बेटा नीरव बस दो लोग ही यहाँ रहते हैं। डिवोर्स के बाद मैंने अकेले अपने बेटे को पाला है, सिंगल मदर। ओह मेरा तो पूरा दिन गुजर जाता है स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में, काम ही खत्म नहीं होता। घर आती हूँ ना कुछ काम निकल ही आता है स्कूल का। अरे क्या बताएं, स्कूल की नौकरी ऐसी होती है। टीचर के बच्चे तो बड़े संस्कारी होते हैं ना। अपने बेटे के बारे में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, मेरा बेटा बहुत सीधा है, बहुत मेहनती है। पता है तुम्हें स्कूल में फर्स्ट आता है अपने क्लास में, और अपने क्रिकेट टीम का भी कैप्टन है कॉलेज में। भाई मुझे तो पूरा विश्वास है एक न एक दिन मेरा बेटा इंडियन क्रिकेट टीम में जरूर होगा। क्यों नहीं होगा आंटी, अभी आपके जैसी मम्मी होगी, इतना ध्यान रखेगी तो होगा ना, तभी ये घर भी इसीलिए खरीदा होगा है ना, ग्राउंड के एकदम पास। हाँ इसीलिए ले आए बाबू। अब पूनम कितने रुपए है तुम्हारे? 20 रुपए। ये ले, थैंक यू उधारी के लिए।
और आगे से मुझे कुछ भी सब्जी चाहिए ना तो तुमको ही फोन करूंगी। कभी भी हाँ, ताजा सब्जी लेके आना लेकिन। हाँ। चलो बाबू, थैंक यू। फंसी मछली जाल में, अब आएगा मजा जिंदगी का। नीरव, तुम्हारा गेम काफी इंप्रूव हुआ है। अगर इसी तरह खेलते रहे और फिटनेस पे भी ध्यान दिया तो बहुत जल्दी स्ट्रेट खेलोगे। तुम यहाँ कैसे? यहाँ से जा रही थी, तुमको खेलते हुए देखा, अच्छा लगा तो सोचा थोड़ी देर तुम्हारा खेल देख लिया जाए। क्या मस्त खेलते हो। थैंक्स। घर जा रहे हो? मैं भी उसी साइड जा रही हूँ, छोड़ दूँ? नहीं नहीं, मैं पैदल चला जाऊँगा, मुझे चलना अच्छा लगता है। पास ही में तो घर है। हाँ सही बात है, भाजी वाली की स्कूटी पे तो नहीं बैठोगे, अच्छा नहीं लगता ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो स्कूटी पे मत बैठो, चल तो सकते हो। ठीक है। हाँ चले। आंटी बड़ी अच्छी है और तुम्हारी बहुत तारीफ करती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे बिना पापा के भी तुमने सब कुछ अकेले कर लिया। वाह, गोला खाओगे? हाँ चल चल। वैसे क्रिकेट तुम बचपन से खेल रहे हो? 9 साल का था ना तब से, माँ ने बचपन में बैट गिफ्ट किया और उसके बाद। नमस्ते आंटी, ये रही आपकी सब्जी तरकारी। अरे पूनम तुम लाओ सब्जी तो। अरे आओ ना, अंदर आओ। भाई पूनम, मानना पड़ेगा तुम्हारी सब्जी बहुत अच्छी होती है और बहुत सस्ती भी होती है। खास आपके लिए आंटी। चाय पियोगी? हाँ अभी लेकर आती हूँ।
प्रिंसिपल्टी वाले आए थे मेरी दुकान बंद करने के लिए, तो मैंने तो कह दिया अगर दुकान बंद करोगे तो नौकरी देनी पड़ेगी। चुपचाप चला गया। बहुत अच्छा किया। आंटी चोरी चकारी तो करते नहीं है, मेहनत से काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा। अरे पूनम, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस काम करने वाले की नीयत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल आंटी, ये लो चाय। बिल्कुल ठीक कहा आंटी, मेरी नीयत के बारे में तो आप जानती हैं, पूरे मोहल्ले की सबसे अच्छी लड़की हूँ मैं। हाँ ये बात तो है। नमस्ते आंटी। अरे नमस्ते पूनम, तुम? हाँ जानती हूँ आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया था, पर सीजन का ताजा माल आया है और इसमें पहला हक तो आप ही का बनता है, इसलिए बिना पूछे ले आई। लेकिन अच्छा चलो कोई बात नहीं है, लेकिन पूनम आगे से कुछ भी लाओ ना तो एक फोन जरूर कर लेना। अब देखो ना कल से तो मेरे स्कूल खुल रहे हैं, पूरा दिन मैं वहीं पर ड्यूटी में फंसी रहूंगी, समझी? जी। वैसे बाबू को भी ताजे फल पसंद होंगे ना, इनका मजा तो ताजा ताजा खाने में ही आता है। और वो मेरा ना फोन भी खराब हो गया है, कोई कहता है हैंग हो गया है, कोई कहता है कुछ और, एक बार जरा बाबू से पूछेंगे। हाँ हाँ अभी बुलाती हूँ। बाबू, ए बाबू। आया। हाँ माँ। बेटा जरा इसका मोबाइल तो चेक करना कि क्या हुआ। आंटी काम हो गया। अच्छा लेकिन आते रहना। जी। माँ मैं रख क्या रहा था। तुम यहाँ क्यों आ गई? जाओ। तुमसे मिलने आई हूँ अकेले में। माँ आ जाएगी, तुम जाओ। अरे बेटा पूनम पैसे लिए बिना ही चली गई, ये ले उसको याद से दे देना। ठीक है माँ मैं दे दूंगा, अब आप जाओ, मुझे पढ़ना है। अच्छा ठीक है। ये तुम्हारे पैसे। रोज तो मैं तुम्हारे लिए लाई थी, पैसे नहीं चाहिए मुझे। ये क्या करूं? मा जाएगी। कोई नहीं देखेगा और कोई नहीं आएगा। मा सोचते बहुत हो, आंखों में देखो, घबराओ मत, कोई नहीं आएगा। बाबू मुझे एक अपनी अच्छी सी फोटो दो ना, जब तुम्हारी याद आएगी ना तो तुम्हारी फोटो देख लिया करूंगी। मेरे पास तो फोटो की कोई हार्ड कॉपी नहीं है। मेरे मोबाइल में कैमरा होता ना तो एक अच्छी सी फोटो खींच लेती तुम्हारी। ये तुम हो? दिखा। अरे वाह, क्या लग रहा है? ये पिछले साल की आईडी कार्ड थी, इस साल नया बनेगा, तुम रख लो। पक्का? बेशक हम घर में आने वाले हर इंसान की मेहमान नवाजी करें, लेकिन लापरवाही ना बरतें जिससे किसी अनहोनी की परिस्थिति पैदा ना हो सके। कभी कभी तो हम इतने लापरवाह हो जाते हैं कि किसी से भी अपनी फैमिली की निजी इंफॉर्मेशन भी शेयर करने लग जाते हैं, जैसा कि आशा ने भी किया, जिस इंफॉर्मेशन का पूनम ने पूरी तरह से फायदा उठाया और अंजाम तो आप देख ही रहे। हाँ पू। हाय बाबू। कैसी हो? जैसा तुम छोड़ के गए थे। अरे मैंने तुम्हें कहाँ छोड़ा है? छोड़ ही तो दिया है, मुझे छोड़ के उस बैट बॉल के पीछे पड़ गए हो। ठीक है मैं अभी आता हूँ प्रैक्टिस छोड़ के। अरे नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। एक काम करते हैं, तुम अपनी प्रैक्टिस पूरी कर लो, उसके बाद तुम्हारे घर पे मिलते हैं।
अकेले में। आंटी तो स्कूल छूटने के बाद ही आएंगे, है ना? जानू मुझसे रहने जा रहा है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। अरे पूनम कहाँ रही, अब तक आई क्यों नहीं? यार ये कॉल क्यों नहीं उठा रही है? बड़ी आग लगी हुई है लड़के को। कर कर, मैं भी देखूं कितना तड़पता है, कितना मचलता है। तड़पने दो, मचलने दो, लड़की इतनी आसानी से नहीं मिलती, और अगर मिल जाए तो उसकी कोई कीमत ही नहीं रहती। फड़फड़ाओ और फड़फड़ाओ। मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा था, तुम चली जाओ यार। गुस्सा हो मुझसे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ना तुमने कॉल उठाया और ना ही टाइम पे आई। अब माँ के आने का समय हो गया है, अब क्या फायदा? तुम जाओ। देखो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, पर अब तो मैं आ गई हूँ ना, अब टाइम क्यों वेस्ट कर। चलो बड़ा गुस्सा आ रहा है तुम्हें। अभी तुम्हारा गुस्सा ठंडा करती हूँ। पूनम लगता है मम्मी आ गए, तुम जल्दी जाके चुप जाओ। कहाँ चुपू? मेरे रूम में, जल्दी। अरे तुमने सेफ्टी लाइट क्यों लगाया? आ, वो लग गया था। पूनम आई थी? अरे बाप रे, कितनी सारी सब्जी देकर गई है वो। हाँ हाँ मम्मी, वो पूनम आई थी, सब्जियां दे गई, इसलिए शायद से मैंने सेफ्टी लाइट लगा लिया था। ओ अच्छा अच्छा, पता है आज मैं अपना चश्मा तुम्हारे कमरे में ही भूल गई और पूरे दिन स्कूल में ढूंढती रही, परेशान रही, अब भी मुझे याद आया। अब मैं भी लेकर आती हूँ। अरे अरे मा, 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 मैं ले आता हूँ ना, पास में तो है। अरे मैं ले आती हूँ ना, तुम रुको मैं लेकर आता हूँ। शुक्र है भाई, मेरा चश्मा तो मिला। अरे वाह, चश्मा मिल गया आपको? क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो ठीक है, मैं नहा कर आती हूँ, फिर साथ बैठकर खाना खाएंगे। हाँ, चलिए। माँ ने देखा तो नहीं? कपट में छुपी थी। ठीक है अब तुम जाओ। सॉरी बाबू, मैं गलती से अपना बैग तुम्हारे कबर्ड में ही भूल आई, प्लीज उसे संभाल के रख लोगे? अरे क्या यार, तुम भी। सॉरी बाबू, प्लीज उसे संभाल के रखो ना, मैं बाद में तुमसे ले लूं। चलो कोई नहीं, ठीक है बाय। हाँ कौन सा बैग? बाबू वो जो तुम्हारे यहाँ बैग छोड़ आई हूँ ना, उसमें से एक पैकेट अर्जेंटली चाहिए, प्लीज लाके दे सकते हो? पैकेट के तुम पूरी बैग ले जाओ ना। अरे अरे सुनो, तुम वो पिंक पैकेट लेके आ जाओ प्लीज। ओके ठीक है। हाँ
थैंक यू तुम मेरे लिए यहाँ तक आए। वो सब तो ठीक है, लेकिन घर कब आ रही हो? बेसब्री। देखो मेरी आदत मत डालो, बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी तुम्हें। एक मिनट। हेलो, हाँ हम लोग ये गार्डन के पीछे वाली गली में, जल्दी आओ। वैसे तुमने यहाँ पे क्यों बुलाया और इस पैकेट में क्या है? अभी पता चल जाएगा। ये पार्सल इन लोगों को दे दो। दे दो पार्सल, चेक कर लो। हाँ हाँ बिंदास। ए, ये सब क्या है? अबे ए, क्यों बच्चे को डरा रहा है? सहेला चेक करो और देखो साथ में नींबू भी है, बाद में मेरे को मचमच नहीं चाहिए। चल। पूनम ये सब क्या था? अरे तुम घबराओ मत, समझे, बिल्कुल टेंशन मत लो। अब तो तुम्हें पता चल ही गया है मैं क्या करती हूँ, तुमने अपनी आंखों से सब देख लिया है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है? चलो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, बाय। अभी तक तो तुमने सारे पैकेट खोल लिए होंगे, है ना? पूनम लेकिन ये सब क्या है? देखो अभी बहुत बड़ा झटका लगा है ना तुम्हें, तो एक आध दिन आराम करो। हाँ फिर जब नॉर्मल हो जाओगे तो कल आराम से मिलेंगे और बात करेंगे, ठीक है? हेलो हेलो पूनम, हेलो बाबू, दरवाजा खोलो और जल्दी से नाश्ता कर लो। बाबू चलो साथ चलते हैं और रास्ते में मैं तुमको ड्रॉप भी कर दूंगी। माँ 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 आप जाओ, मैं बाद में आके खा लूंगा, और वैसे भी आज कॉलेज लेट जाना है। अच्छा ठीक है तो फिर मैं जाती हूँ। नीरव, तूने जिस आदमी को गन सप्लाई की थी ना, उसे हमने अरेस्ट कर लिया है। उसने तेरी गाड़ी का नंबर और तेरी सब्जी वाली पार्टनर का भी नाम बता दिया है। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर, पूनम से मेरी दोस्ती हो गई थी सर, उसने कुछ दिनों पहले यह बैग मेरे घर पे भूल गई थी। पूनम भी हमारी हिरासत में ही है और उसने बयान दिया है कि तुम दोनों इस धंधे के पार्टनर हो, और ये तेरा ही है ना कार्ड, ये भी पूनम के यहाँ से मिला है। सर पूनम झूठ बोल रही है सर, मुझे बिल्कुल पता नहीं था वो गैर कानूनी हथियार बेचती है सर। बकवास बंद कर, तूने यहाँ बक दिया सो बक दिया, कहीं बाहर मुंह मत खोलना। सुन मैं पूनम की तरफ से तुझे वार्निंग देने आया था, वार्निंग, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं तुझे ये समझाने आया हूँ कि तेरा जब पुलिस से सामना होगा तो तेरी क्या हालत होगी। अगर तूने गन की बात बाहर निकाली तो तू तो लंबे के लिए अंदर जाएगा, तेरे खिलाफ सारे सबूत हैं। मेरा नाम याद रखना बालन सावंत, और इन सारी गैरकानूनी सब्जियों का सप्लायर मैं हूं।
पूनम मेरे लिए ही काम करती है। और अब अगर ये सब्जियां तूने अपने घर में रखने से मना कर दिया तो सब तेरे खिलाफ गवाही देंगे, क्योंकि आईडी कार्ड और सब सबूत तो है ही है। और अब ये संभाल के रख, जब तक मैं ना कहूँ इसको बाहर की हवा मत लगने देना, नहीं तो तेरी सेहत खराब हो जाएगी, समझे? और अपनी माँ से कुछ मत कहना, नहीं तो तुझे ना पुलिस का दामाद बना देंगे। और एक बार पुलिस का स्टडी में आया ना तो तेरी स्कूल टीचर माँ की इज्जत का क्या होगा? और हाँ, जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा तू करेगा, तो खूब हरी भरी जिंदगी जिएगा, खूब पैसे कमाएगा। हेलो, हाँ पूनम, अरे मिल गया तेरा नया खिलाड़ी, समझा दिया उसे। पूनम, पूनम, पूनम प्लीज मुझे इस झमेले से बाहर निकालो। अरे ओ, अभी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? एक बार तू इस धंधे में आया ना, अभी सावन तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, समझा ना? अभी तो तुझे सब कुछ पता चल गया हम लोगों के बारे में, और अगर जबरदस्ती निकलने की कोशिश करेगा ना तो तेरी टिकट काट देगा सावन। पूनम प्लीज कोई रास्ता निकालो ना, इस मुसीबत से निकालो प्लीज, अगर माँ को पता चला ना उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगे। ठीक है, मैं सावन से बात करूंगी तेरे लिए, लेकिन उसके पहले तुझे हमारा सारा माल बिकवाना पड़ेगा। तुझे अगर जल्दी से जल्दी झंझट से बाहर निकलना है तो फटाफट हमारी सारी गन्स बिकवा दे, ठीक है? और इतना टेंशन मत ले यार, तेरा टेंशन दूर करने के लिए मैं हूं ना। अरे अच्छा बेटा, नीरव, इंडियन टीम के एक बहुत बड़े सिलेक्टर आने वाले हैं मैच देखने के लिए, तुम्हारे नाम की स्पेशल रिकमेंडेशन है, तो प्ले योर बेस्ट गेम। जी सर, इसी दिन का तो इंतजार था। वेल डन माय बॉय। थैंक्स। हेलो। ए, हाय हेलो का टाइम नहीं है, एक गन की डिलीवरी करनी है, मैंने एड्रेस तुझे मैसेज किया है, जल्दी जाके पहुंचा के, अर्जेंट है। देखो पूनम, मैं अभी नहीं आ सकता, आज मेरे लिए बड़ा मैच है और सिलेक्टर्स आने वाले मैच देखने के लिए। अरे तेरे सिलेक्टर्स की ऐसी की तैसी, ये ज्यादा जरूरी है, जाके डिलीवरी करके आ, मैच तो दिन भर चलता रहेगा। अरे ऐसा अलाउड नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं एक काम करती हूँ, आज संडे है ना, आज तुम्हारी मम्मी घर पे होंगी, उनकी मदद से गन ढूंढ लेती हूँ और जाके डिलीवरी करके आ जाती हूँ, ठीक है? ये तो ब्लैकमेलिंग हुआ। तो ऐसा ही समझ लो, मैं तुझे ब्लैकमेल ही करती, 15 मिनट में गन डिलीवर करने जा, नहीं तो। करेले वाला? हाँ, करेले लेके आया, बस साथ में नींबू भी है। तू इसके साथ जा, शहर के उस पार जाकर भाई को ये थूक दे। अरे नहीं, मुझे तो यही पता बताया था, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी वापस जाना है, आप ही उन्हें दे दो। अबे पागल हो गया क्या भाई, पहले तेरा थोपड़ा देखेंगे, करेला चला के देखेंगे, फिर तो सौदा पक्का होएगा ना। अरे नहीं प्लीज, आप ही उन्हें यह दे दो ना। अबे तू खिसकेला है क्या भाई? देख मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ से कल्टी लेते हैं वरना कुछ वांधा हो जाएगा। पूनम ये किस चुचंदर को भेजेला है? अपन ऐसा काम नहीं करता, सुन सौदा पलटी कर दे, बोले तो डील कैंसिल। देखिए सर प्लीज ऐसा मत करो। क्या बोला तूने, फिर से बोल। अब एक बार और बोलना। सर आप जहाँ बोले मैं वहां जाते। सर आप जहाँ बोले मैं वहाँ डिलीवरी देता हूँ, लेकिन प्लीज डील कैंसिल मत करो। एक मिनट। ओ स्टार ओपनर, किधर तू? कोच बहुत भड़क गया, जल्दी आ, मैच शुरू होने वाला है। यार प्लीज प्लीज, तू कोच सर को बता देना, बहुत सीरियस वाली इमरजेंसी आ गई थी इसलिए जाना पड़ा। लेडी साइड पर आ जाऊंगा, बता देना प्लीज। हेलो
हेलो। चलिए सर। चल सर। सालों की मेहनत तुमने यूं बर्बाद करके फेंक दी। सीधा सीधा चांस था तुम्हारे पास स्टेट टीम में जाने का। लोग जिंदगी भर ऐसे मौकों की तलाश करते हैं और तुमने यूं बर्बाद कर दिया। तुम्हें ये मौका कभी नहीं मिलेगा, इडियट। अरे बाबू, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? ओ, मेरा स्टेट टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ। बस इतनी सी बात? अरे अगले सीजन में हो जाएगा। खूब मेहनत करो, लगन से काम करो, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, कड़ी मेहनत करो, फिर उन लोग कितने दिनों तक बाहर रखेंगे तुझे? हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन, समझे? बाबू, इसके सिवाय और कोई वजह तो नहीं है ना? गलतियां किससे नहीं होती, मुझसे, आपसे, सबसे। लेकिन गलती का एहसास होना और उस गलती को सही समय पर सुधारना समझदारी है। बचपन में मैं भी जब गलतियां करता था तो एक डर मेरे अंदर होता था कि मैं कैसे अपने माता पिता के साथ उस बारे में बात करूं। लेकिन मैं भाग्यशाली था कि मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे और वो मेरी परेशानियों को समझते और डिस्कस करते थे। उन्होंने मुझे एक ऐसा माहौल दे रखा था कि मैं उनसे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम शेयर कर सकता था। मुझे पूरा यकीन है कि हम में से कई नौजवान विपरीत परिस्थिति में ऐसी ही कशमकश से गुजरते हैं। लेकिन हमें अपने माँ बाप, अपने बड़ों के तजुर्बे पर भरोसा करना चाहिए और उनसे अपनी समस्याएं बांटनी चाहिए। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, उसका बड़ों के सुझाव से और उनके साथ मिलकर सामना करने पर समाधान जरूर निकलता है। पूनम, तुम पागल हो गई क्या? तुमने कस्टमर को सीधे मेरे घर भेज दिया। अरे जवाब ही नहीं दे रहे थे तो भेजना पड़ा। अच्छा चलो छोड़ो, ये देखो तेरा हिस्सा। परसों तो क्या काम किया तूने डील में, वाह। ये ले तुम्हारा हिस्सा ऐश का। नहीं चाहिए तुम्हारा हिस्सा। जैसे कि हम लोगों की बात हुई थी, एक आखिरी बार मैं तुम लोगों का काम करूंगा। अब एक ही गन बची है, उसके बाद मैं तुम लोगों की शक्ल नहीं देखूंगा। आवाज नीचे करके बात कर, समझा ना? तमीज से बात करना मुझसे। मेरा दिमाग खराब किया ना तो जेल में सड़ेगा। ये जो झंझट है ना, इससे सिर्फ मैं निकाल सकती हूँ तुझे। और कैसे निकालूंगी बताओ? जब तू तमीज से बात करेगा मुझसे, इज्जत से बात करेगा। नीचे झुक, हाथ जोड़ और रिक्वेस्ट कर। देखिए पूनम जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये आखिरी डील होने के बाद प्लीज प्लीज मुझे इस काम से फ्री कर दो। ये हुई ना शरीफों वाली बात, अब आ गया लाइन पे। पूनम, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, अब ऐसा क्यों कर रही हो? प्यार? मैंने कहा कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तूने मार लिया। हा? तुझे तो मैं बस इस्तेमाल कर रही थी। चल आ जा, उठ जा, इधर बैठ। अरे आना, इधर बैठ। वैसे लगता बड़ा प्यारा है तू। तो गुस्से में तो और भी प्यारा लग रहा है, पर अब मैं तेरा गुस्सा शांत कर देती हूँ जैसे हमेशा करती हूँ। तू ही नीरज है ना? चल ला करेला दे। माल पहले पैसा बाद में करेला। गिन ले।
एक और आदमी था, यहीं कहीं गया होगा। ढूंढो, बच्चे नहीं निकलना चाहिए। अरे बाबू, अरे बाबू, क्या हुआ तुझे? अरे तूने कैसी हालत बना रखी है? बाबू, बाबू, मैं कुछ बोल रही हूँ। बाबू, अरे क्या हुआ तुझे? बोल ना। मैं हूँ ना, देखो मैं सब ठीक कर दूंगी। बोल ना, क्या हुआ है तुझे? ये क्या है? हाँ, वो पूनम से दोस्ती हो गई थी। उसके बाद वो अपने घर में एक बैग रख गई थी, उसके अंदर ये सब गन थी। और अभी एक एक आदमी को मैं गन देने गया था। बेटा, जिंदगी में की गई किसी भी गलती को ना हम सुधार सकते हैं, बस हमको थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। और मुझे पता है कि मेरा बेटा बहुत हिम्मती है। अरे वाह, मैं तो तुझे झिंगुर समझती थी। तू तो बहुत बड़ा शेर निकला, इतनी बड़ी डील अकेले कर ली, क्या बात है। देखिए अब आखिरी डील हो गई, अब मुझे जाने दो। तुझे क्या लगा मैं तेरे को अपुन का धंधा छोड़ के जाने देगा? नहीं, अरे तू इधर ही रहेगा, इधर ही अपुन के साथ काम करेगा। और अगर मना करेगा तो सजा मिलेगी। ये कुछ नींबू करेले रखेले हैं, सबको उठा और लेके जा। चल। अपने घर में छुपा, तू जैसे लोगों के घर में पुलिस छापा नहीं डालती। हाँ। और अपने मम्मी के कर्मों का कुछ फल हमारे धंधे को भी लगने दे, है? पर इसके आगे मैं ये काम नहीं करूंगा। ए! मैं तेरे जैसे चूजे को रोज मार के खाता है, तेरे को एक मौका दे रहा है, पैसा कमा और अपनी लाइफ बना, समझे क्या? जा, बैग उठा लेके जा। ना मुझे आपका काम चाहिए, ना आपका पैसा। चल लाइन में लग। एक मिनट रुक, घोड़ा मत दबाना, बैठ के बात करते हैं ना। मुझे क्या चाहिए, मैं देगा तेरे को। अरे तू डर मत सावन, घोड़ा दबाने के लिए बहुत जिगर चाहिए। तुम लोगों ने मेरा जिगरा बनाया है, अब चौकी में क्रिमिनल बन गया हो तो सबसे पहला बदला तुम दोनों से ही लेना होगा ना। एक मिनट रुक, सबसे बड़ी मास्टरमाइंड ये है, मैं इसके लिए काम करता हूँ। ए सावन, मैंने किया तो मैं अपने आप को सजा देता हूँ ना। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। बस बहुत हो गए नौटंकी, ये अपने आप को मारने में मजा नहीं है। तो इसे मारी से पूनम को, और तब तक मत रुक जब तक मैं ना बोलूं। चल मार। मैं मारता हूँ ना, बहुत मारता हूँ मैं। सावन, तू मुझे मारेगा? तू सटिया क्या क्या? सावन, पागल हो गया क्या? छोड़ूंगी मैं तुझे। बेटा हवा बदलते देर नहीं लगती, समझा ना? कल का अंडे में से निकला तू हमसे शरारती करेगा, है? तेरी घोड़ा बोलो, करेला बोलो, उसे चलाने के लिए वो नींबू तो चाहिए ना, बोले तो बुलेट्स। सब मेरे बेटे को हाथ भी लगाया ना, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। नीरव ने तो पहले ही सरेंडर कर दिया था,
उसे हम लोगों ने ही भेजा था तुम्हारे पास ताकि तुम लोगों को गिरफ्तार कर सको। लेके चलो उनको। थैंक यू माँ, आपने मुझे अपने गुनाह मान लेने की हिम्मत दी और इसी वजह से उस पूनम की असलियत सामने है। कितनी अच्छी बात कही आशा ने नीरव से। जीवन में की गई किसी भी गलती को सुधारा जा सकता है, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है। हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग होते हैं जो दबाव में आकर जुर्म करते हैं और उसे छुपाने की कोशिश में और भी संगीन जुर्म करते चले जाते हैं और धीरे धीरे एक पेशेवर अपराधी बन जाते हैं। हमें अपने बच्चों और युवाओं के लिए ऐसे हालात बनने से रोकना होगा। क्यों ना हम उन्हें अपने पास बिठाएं और ये समझाएं कि हमें अपनी छोटी बड़ी गलतियों को छुपाने की नहीं बल्कि वक्त रहते बड़ों की और पुलिस अधिकारियों के सहयोग लेने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था और पुलिस अगर एक तरफ अपराधियों को पकड़ने में प्रतिबद्ध है तो दूसरी तरफ उनके इरादों को नाकाम करने के लिए सक्षम है। यहां मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पे भरोसा करना गलत है, लेकिन अगर लापरवाही की और एहतियात नहीं बरती तो अनहोनी हो सकती है। जरूरत हर वक्त डर में जीने या हर पल दूसरे पे शक करने की नहीं है। फिर मिलेंगे महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ, आता बस।